सोलन के औद्योगिक क्षेत्र चंबा घाट की सड़कें पिछले काफी दशकों से अपनी बदहाली पर आंसू रो रही हैं, लेकिन ना तो नगर परिषद उनकी सुत ले रही है और ना ही उद्योग विभाग। सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि यहां से गाड़ी ले जाना तो दूर पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। इस क्षेत्र के उद्योगपति और आसपास रहने वाले लोग भी सड़कों की दयनीय हालत को लेकर बेहद चिंतित और दुखी हैं। यहां से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं जिन्हें खड्डों से बचते बचाते अपने वाहन निकालने पड़ते हैं और कई बार इसी चक्कर में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। रोष प्रकट करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि चुनावों के वक्त उन्हें हमेशा ये आश्वासन दिया जाता है कि सड़क को जल्द ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद इस सड़क की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। पहले इसकी मुरम्मत उद्योग विभाग कर देता था, लेकिन अब तो उद्योग विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। नगर परिषद भी इस ओर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। सड़क की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द ही पे सड़क की सुध लें और सड़क की खराब हालत से निजात दिलाएं। यहाँ पे सड़क की समस्या, खासकर जो मेन रोड से यहाँ को इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ सड़क आ रही है, इसके काफी समय से बड़े बदतर हाल है। कुछ तो यहाँ पे है कि राजनीति में मारी जाती है कि थोड़ी सी आगे तक यहाँ पे कमेटी का रोड है, उससे आगे डीएसी का रोड शुरू होता है। तो पहले तो इसको डीएसी ही मेंटेन करती रही है, पर पिछले कुछ समय से डीएसी वालों ने इसको मेंटेन करने के लिए मना कर दिया है। और उसके बाद एक बार कमेटी ने इसमें हल्का फुल्का सा काम कराया, तो उसके बाद गड्ढे ही गड्ढे इतने हो गए कि सड़क में गड्ढा, गड्ढों में सड़क, ये बराबरी बन जाता है यहाँ पे। तो क्या इससे एक्सीडेंट की भी समस्या आ रही है? इसमें एक्सीडेंट की भी समस्या बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो इलीगल अनऑथराइज पार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। कई लोग जो यहाँ से शिमला जॉब पे जाते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाते हैं, यहाँ से बस वगैरह लेके शिमला निकल जाते हैं। तो एक तो सड़क वैसी तंग, पहले भी तंग है सड़क, और दूसरा यहाँ पे जो सड़क के खस्ता हाल हैं, फिर अनऑथराइज पार्किंग, तो इससे जो दुर्घटना की संभावना तो बनती रहती, कई बार हो भी जाती है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आते जाते रहते, यहाँ पे सरकारी कार्यालय, एजुकेशन का ऑफिस, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, लोगों का आवाजाही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आटा मिल है, बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे चलती हैं, तो जाम लगना यहाँ पे एक बहुत आम सी बात है। जब तक मेरा तो मानना है कि अगर ये सड़क बरसातों से पहले कमेटी वाले और डीएसी वाले दोनों मिलकर इसको रिपेयर कर दे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज तो यहाँ पे बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। बाई इलेक्शन हुए थे इस वार्ड में, तो उस समय हमने ये समस्या उठाई थी कि यहाँ पे रोड का हाल देखिए, कमेटी का थोड़ा सा पैच है। तो उस समय तो बाई इलेक्शन थे, सभी पदाधिकारी थे दोनों ही पार्टियों के, तो दोनों ने आश्वस्त किया था कि जी हमारा कैंडिडेट को जिता दीजिए तो उसके बाद इमीडिएट ये काम कर देंगे, पर अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ हुआ है। मैं वेद नेगी सोलन का स्थायी निवासी हूँ, और चंबा घाट वाला रोड, ये जो डीआईसी वाला रोड है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए, क्योंकि जितनी बार भी इसमें काम हुआ है बहुत ही लो क्वालिटी का इसमें मटेरियल डाला गया है, जिसकी वजह से रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो कृपा करके इसको अच्छे मटेरियल के साथ बनाया जाए। समस्याएं इसमें रोड में, जब देखो कितने खड्डे हो गए हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो उससे पहले ही अगर हम लोग इसको बेटर कर लें तो फिर हमारे लिए ठीक है।